भिंडी ना खाने वालों को ये वाली भिंडी एक बार ज़रूर टेस्ट करवाइएगा, यकीन मानिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हफ्ते में दो बार तो वो ज़रूर आपसे फरमाइश करेंगे, इतना फ्लेवर है इसके अंदर। सिर्फ रोटी के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे ऑफर्ड के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक पाव मैंने भिंडी लिया है इस रेसिपी के लिए। भिंडी खरीदते वक्त आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। भिंडी आपने छोटी लेनी है और फ्रेश लेनी है। तो अब फ्रेश है कि नहीं कैसे आप जो है पहचानेंगे, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, हल्का सा आप ऐसे फोल्ड करेंगे बस ये टूट जाएंगी। इट मीन्स ये बिल्कुल फ्रेश भिंडी हमारी है। और ये भरवा भिंडी के लिए आपको कोशिश करना है कि भिंडी आपने सीधी लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लिट करना है। भिंडी को मैंने वॉश करके स्ट्रेनर पर रख दिया था। अब ये जो थोड़ी बहुत नमी है ना, वो हमें कपड़े से पोंछ लेना है। कभी भी कोई भी भिंडी बनाइए, हमेशा उनको कपड़े से ज़रूर पोंछ लीजिए। हमारे घर में सिर्फ सिंपल हरी मिर्च और नमक प्याज वाले भी बनती ना, तो भी हम उनको कट करने से पहले पोंछते ज़रूर हैं, क्योंकि ये काटने के बाद अगर गीली रही और काटेंगे आप तो बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस इसकी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल एक स्टिकी वाला पदार्थ रखा है ना कुदरत ने, तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोग ना इसकी स्टिकी की वजह से नहीं खाते हैं भिंडी। तो दोस्तों इनके जो टेल थे वो मैंने कट किए, पॉइंट्स को भी मैंने कट कर दिया और बैक को भी मैंने कट कर दिया है। तो पॉइंट्स भले आप ना कट करें लेकिन बैक साइड से आपने ज़रूर कट कर देने हैं। तो ये कट हो चुके हैं, अब हम जो है स्लिट जो है यहाँ से करेंगे, यानी कि कैविटी बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कट करने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा अंदर नाइफ मत डाल दीजिएगा कि नाइफ आर पार हो जाए, क्योंकि हमें कैविटी बनाना है, इसके अंदर मसाले भरने हैं। तो बस ये देखिए इस तरीके से आपने ध्यान से कट करके रेडी कर लेना है। तो ये सारी भिंडी हमारे देखिए कट चुकी हैं, बहुत ही अच्छी। अब हम एक मसाला बनाएंगे। तो ये है दोस्तों हमारे पास में सेव। ये कुछ दिन पहले मैंने सेव की सब्ज़ी राजस्थानी स्टाइल पोस्ट किया था, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी वो रेसिपी। ये अभी भी क्रिस्पी है तो मैं इसका इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि सेव लेना है, आप जो है ना बेसन ले सकते हैं दो से ढाई टेबल स्पून, और उसको पैन में डाल करके स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो आप भुनी हुई चने की दाल ले सकते हैं, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना करके इस टेबल स्पून से दो ढाई टेबल स्पून ले सकते हैं। तो ये जो सेव है मैंने इनको पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड हैं। अगर मैं कंटिन्यू मिक्सर चलाऊँगी तो ये ऑयल रिलीज़ कर देंगे। एक प्लेट में मैंने ले लिया, डाल देती हूँ एक टेबल स्पून। ये सौंफ का पाउडर भी नहीं है और एकदम दरदरा भी नहीं है, मैंने इनको अच्छा बारीक क्रश किया है, ठीक है। तीखी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, और ये गया आमचूर पाउडर। इसके अंदर खटास ज़रूरी है। गरम मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। कलौंजी ज़रूर ऐड करिएगा, इससे थोड़ा अचारी वाला फ्लेवर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने सौंफ भी डाला है तो कलौंजी डाल दिया। अजवाइन मैंने डाल दिया है क्योंकि बेसन हैवी होता है। नमक डालेंगे यहाँ पर, वाइट और ब्लैक सॉल्ट दोनों ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर डालेंगे ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको पहले हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, उसके बाद रॉ मस्टर्ड ऑयल डालेंगे इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून, और हाथों से खूब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर इतना सारा फ्लेवर जो आया है ना दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा अचारी वाला आपको स्मेल आएगी, क्योंकि रॉ मस्टर्ड ऑयल गया है। अचार में मस्टर्ड ऑयल ही हम लोग डालते, मोस्टली लोग डालते जब ही अचार का फ्लेवर ज़्यादा निकल करके आता है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम इसको ऐसे फिल करेंगे। तो फिल करने से पहले आपने थोड़ा सा इनको ऐसे फैला लेना है और खूब अच्छे से दबा करके आपको फिल कर लेना है। मसाले फिल करने के बाद अंगूठे से एक बार इस तरीके से जो है ना इवन कर दीजिएगा, ताकि एक्स्ट्रा मसाला ना रहे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा एकदम भिंडी के ऊपर तक मसाला अगर आपने भर दिया ना दोस्तों, तो फिर ये फ्राई करने के टाइम पर मसाले जो है वो बाहर निकल करके गिरेंगे, जलेंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे इवन करना ज़रूरी है। तो सारी भिंडी को हमने फिल करके रेडी कर लिया है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल 1/4 कप के जितना। ऑयल को बहुत ही अच्छा मैंने गरम कर लिया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून खड़ा ज़ीरा, और दोस्तों इसके अंदर जाएगी पिंच ऑफ हींग, क्योंकि बेसन है, बेसन की वजह से हींग और इसके अंदर अजवाइन ऐड की गई है।
अब भिंडी इसके अंदर डाल देंगे। मैंने फ्लेम अभी बिल्कुल स्लो कर दिया है। पूरी भिंडी डाल लेने के बाद में हम यहाँ पर फ्लेम को मीडियम करेंगे। पहले भिंडी को एक बार ऑयल में ना इस तरीके से उलट पुलट कर लेते हैं ताकि सारी भिंडी के ऊपर ऑयल लग जाए। उसके बाद में हम इनको सिंगल लेयर में फैला देंगे। ये हमने सिंगल लेयर में फैला दिया है। अब हम इनको एक मिनट के लिए कवर करेंगे। थोड़ा हम हर तरफ से इनको इवन कर देते हैं। इनको ज़्यादा आपने छेड़ना नहीं है, अगर ज़्यादा आप छेड़ेंगे तो मसाले इनके बाहर निकल करके आ जाएंगे। चलिए सिर्फ एक मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करते हैं। एक मिनट के बाद हम इनको ओपन करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरीके की हाफ डन भिंडी खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी खाना पसंद करते हैं तो बस ये रेडी है, आप इनको डिश आउट कर लीजिए। लेकिन मैं इनको एक मिनट डेढ़ मिनट का टाइम और दूंगी, क्योंकि मैं एकदम हाफ डन भी नहीं खाती हूँ और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करती हूँ। तो एक डेढ़ मिनट के लिए और कवर कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये सूखी सूखी सी भरवा भिंडी बन करके तैयार हो गई है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरे और भी वीडियो पर विज़िट करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। इसको आप दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ सर्व करिए। कल हम फिर आएंगे कुछ और नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।